हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम नवी है। इंस्टेंट पे लोन मिलता, होम लोन है और पर्सनल लोन की सुविधा दी जा रही है। तो ये एप्लीकेशन है, इसके लिए मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगा और इसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लोगो कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो लोगो है वो रेड टाइप का है और मैं अभी आप जाऊंगा प्ले स्टोर में, उसी हिसाब से आप इसको देख के और डाउनलोड कर लेना। और नहीं अगर आपको मिलता है तो मैं इसका लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे ऊपर लॉगिन सिंगल ऑप्शन है, यहाँ पे हम ऑप्शन पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद में आपके पास मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आप मोबाइल नंबर डाल दें अपना और एक OTP आएगी, ऑटोमेटिक वो वेरीफिकेशन हो जाता है इसमें OTP आने के बाद में। और नहीं आता है तो आप टाइप करके लिख सकते, उस हिसाब से सबमिट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ तक का प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम अप्लाई पे ओके करते हैं। अब अप्लाई पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नाम लिखना होगा जो पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ, बिल्कुल वैसा ही लिखना है आपको। अब जो अपनी डिटेल है इसमें 10% कंप्लीट हो चुका, 80% बाकी है, तो हम अपना नाम डाल देते हैं, फुल नाम डाल देते हैं। सिंगल हैं क्या है आपका, उस हिसाब से आप डाल दें। इसमें जो सिंगल का मतलब ये है कि जो आप शादीशुदा हैं या ठीक है। तो अब इसमें आता है कि एम्प्लॉयमेंट, आप काम क्या करते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल दें। मंथली इनकम बता सकते हैं आप इसमें, अपने हिसाब से बता सकते हैं। अदर इनकम आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो सही लगे कंफर्म कर दें। उसके बाद आप कंट्रीज, इंडस्ट्री, आप यहाँ पे क्या करते हैं, एजुकेशन है तो एजुकेशन कर लें। लोन किस हिसाब से लेना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे टाइप कर दें आपको किसके लिए चाहिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना अपने हिसाब से। आपकी जितनी पढ़ाई हुई पड़ी आप उस हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दें। और यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दें, पैन नंबर सही डालें। उसके बाद DOB डालें। डेट ऑफ बर्थ डाल दें आप। यहाँ पे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे कर देते हैं, जो ऑटोमेटिक इसका जो डिवाइस है लोकेशन को सेट कर लेगा। ठीक है, जब आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे ऑटोमेटिक लोकेशन सेट हो जाती है, कौन से एरिया में आप रहते हैं, क्या करते हैं। ओके कर दें, सबमिट कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको कुछ ना करें, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन चल रहा है, आपको बैक भी नहीं करना, आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक, ठीक है, इसको चलने देना है। और ये 2 से 3 मिनट का मैं पूरा समय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोफाइल नॉट एलिजिबल, मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं लेन देन अच्छा नहीं, अभी मेरे अकाउंट में ऐसा लेन देन नहीं है कि लंबे समय से मैं लॉन्ग समय से कुछ नहीं कर रहा लेन देन। और जिनका लेन देन कंटिन्यू का अच्छा होता है और जिनका सैलरी वगैरह है
लगे हुए हैं, कोई कंपनी में लगे हुए हैं, कोई प्राइवेट है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे भी कोई शॉप पे काम करता है, जिनका सैलरी इनकम अच्छा है उनका जो सिविल स्कोर ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक पैन कार्ड और अकाउंट नंबर से पता लग जाता है। आप पैन नंबर डालोगे तभी आपका सिविल स्कोर आ जाता है। मेरा जो सिविल स्कोर है बिल्कुल लो है, तो इसलिए मुझे नहीं मिल पा रहा, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। और जिनका है वो ले सकते हैं और उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा। यहाँ पे जो रेट है लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसमें अपनी जो लिख सकते हैं फीडबैक कि आपको कैसा लगा या नहीं लगा। यहाँ पे आप स्टार देकर, जैसे कि एक दिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सही है गलत है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें अपने हिसाब से आप इनको सबमिट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। आज के लिए बस इतना।